सो फाइनली दोस्तों, बाबूशान फैन और मनोज मिश्री फैन के लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो इन दोनों के बीच जो चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, वो एकदम अभी ठीक चल रहा है। और आप अगर वीडियो नहीं देखे हो तो मनोज मिश्रा के वो वीडियो देखना जिसमें अनुभव महांति और बाबूशान महांति इन दोनों को मनोज मिश्रा ने जो है थैंक यू बोला है, और पुराने जो बात हुआ था उसके लिए भी माफ़ी मांगा है कि वो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिलके फिल्म करें, ठीक है। और बाबूशान फैन के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनका जो पोस्टर रिलीज हुआ था कल के दिन, में उसके ऊपर वीडियो बनाया है, नहीं देखे तो जाके देख लेना। तो उसका जो मोशन टीज़र है वो 30 तारीख को आने वाला है। वो शाम को शायद 6 बजे या फिर सुबह 10 बजे आ सकता है, अभी तक टाइम नहीं दिया है, लेकिन आज 10 बजे रिलीज होगा। उन्होंने सिद्धांत महापात्रा का जो पर्व फिल्म जो जो भी वो भी दमन टीम वाले बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और चलिए मनोज मिश्रा और बाबूशान के बारे में बात करते हैं। देखिए, इन जो फिल्म में आया था टीज़र मनोज मिश्रा का काले गीता, तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए बाबूशान ने अपने जो है खुद इसको बोला था एक इंटरव्यू में कि वो इस चीज़ को बहुत ही पसंद किए, और इस चीज़ को वो पहले से ही मनोज मिश्रा को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका एक्टिंग को पसंद करते हैं, उनका कलाकारी हो या फिर कोई भी चीज़, वो कोई भी एक्टिंग करते हो। मैंने बोला था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ओडिया इंडस्ट्री में वो विजय सेतुपति है और सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो उन्होंने काले गीता टीज़र की काफ़ी प्रशंसा किए थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी फिल्म आएगा हर जगह रिलीज होना चाहिए, इसको हर एक फैंस देखना चाहिए, अपने अपने बीच ओडिया हो या संबलपुरी ऐसा जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे करने से फिल्म फ्लॉप होगा, अपना जो फेवरेट एक्टर होता है तो उसके फिल्म में फ्लॉप होगा और उसका नुकसान होगा। इसीलिए अगर तुम सच्चे फैन हो तो जाओ फिल्म देखो, हर जगह इसको सपोर्ट करो, और हम सभी एक है। मैं फिर